सो गाइज, आज मैंने आपको जो है कमेंट्री स्क्रीन रीडर के बहुत सारे नए नए एक्सटेंशंस के बारे में बताया है। बहुत ज़्यादा भाई कमाल के एक्सटेंशंस हैं जो आपके रेगुलर यूसेज में काम आने वाले हैं। तो क्या है एक्सटेंशंस, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे काम करते हैं, सब कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना अगर आप एक CSR यूज़र हो। और वीडियो को शेयर करना सभी के साथ भाई, सब्सक्राइब कर लो यार इस चैनल को, ऐसी कमाल की वीडियोज़ यहाँ पर आते रहती है। और लाइक नहीं किया अभी तक तो जल्दी से लाइक का बटन भी भैया दबा दो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर एक्सटेंशंस को डाउनलोड कैसे करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एक वीडियो में, लेकिन फिर भी हम जल्दी से क्विक देख लेते हैं कैसे डाउनलोड करना है। तो हम चलेंगे प्रोग्राम सेटिंग में। मेन मेन्यू प्रोग्राम सेटिंग्स। अब यहाँ पर प्लस हम चलेंगे गाइज डाउनलोड एडिशनल रिसोर्सेज। मोर ऑप्शंस। Download additional resources. अब यहाँ पर हम extensions पे क्लिक करेंगे। Audio tool extensions. Extensions. अब यहाँ पर आपके सारे extension आ जाएंगे। Extension, enter keyword text box. यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो all. और ऑल पे क्लिक करके आप सारे दे सकते हो भैया, बहुत जमाने भर के इसमें आपको मिल जाएंगे। Mine. लेकिन यहाँ पर जो मेन मेन होते हैं वो आपको ऊपर ही मिल जाएंगे। Advanced functions underscore advanced function advanced fun add remove app from home screen underscore you can easily add and remove app from home screen through this extension. चलिए मान लीजिए underscore add dot ppk हमको यही डाउनलोड करना है। अब जो भी आपको डाउनलोड करना है उसमें आप क्लिक करेंगे। Add remove app from home screen underscore download button. लास्ट में डाउनलोड बटन आएगा, क्लिक करेंगे। Please wait and import BlueJeans at okay button. इंपोर्ट आपको करना है और ओके कर दीजिए। Successfully imported. ठीक है, बस आपके एक्सटेंशन डाउनलोड हो चुका है। इस तरह से आप डाउनलोड जो है कर सकते हो। तो चलिए अब सीधे हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, बैक करेंगे। अब ये जो सारे एक्सटेंशन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनमें से किसी भी एक्सटेंशन को अपने मन मुताबिक कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप इसको किसी जेस्टर पर रख सकते हो, आप इसको मेन मेन्यू में ऐड कर सकते हो, आप कहीं पर भी रख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे बताने वाला हूँ, 10-15। तो अब हम सारे तो रख नहीं सकते मेन्यू में या जेस्टर पर, तो हम जो है एक्सटेंशन में जाकर ही देखते हैं। मोइन मेन्यू में चलेंगे। मोइन मेन्यू में दोस्तों मोर में और फिर से मोर में। अब यहाँ पर एक्सटेंशन में क्लिक करेंगे, ऊपर ही आएगा मेन मेन्यू रिकॉग्निशन मेन्यू करंट पर ऐप फंक्शन कीप फॉर करंट मेन मेन्यू टूल्स एक्सटेंशंस। एक्सटेंशन में क्लिक करेंगे extension, अब यहाँ पर जो जो मैंने डाउनलोड किए वो सारे दिखाई देंगे और अपन जो है कुछ कुछ अप्लाई भी करके देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्रिकेट अपडेट, अगर आप हो मैच के शौकीन, अगर आपको जो है टाइम टू टाइम चाहिए होती है क्रिकेट अपडेट्स की, भैया किसने कितने रन बनाए, भैया क्या स्कोर चल रहा है, तो यहाँ से आप अपडेट ले सकते हो। देखिए क्लिक करेंगे हम पूरा आपको ये डिटेल बता देगा। अलर्ट आ गया, अलर्ट सेकंड टेस्ट पाकिस्तान म्यूजिक सेकंड टेस्ट पाकिस्तान टूर ऑफ श्रीलंका 2023 श्रीलंका 166/10 and 188/10 पाकिस्तान - 576/5 स्टेटस। ठीक है, पाकिस्तान बीट श्रीलंका बाय इनिंग्स एंड 220 फर्स्ट ओडीआई इंडेक्स 90। पूरा आपको जो है ये जो क्रिकेट अपडेट्स है वो दे रहा है, आप अपने मन मुताबिक ले सकते हो भैया। कैंसिल अलर्ट, कैंसिल करेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रिकेट अलर्ट ले सकते हो। सिंपल सा आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक्सटेंशन पे क्लिक करना और पूरी अपडेट अपने आप आ जाएगी आपके सामने हाजिर। अगला देखते हैं। तो गाइस ये बहुत बढ़िया है, लिसन ऑनलाइन रेडियो। यहाँ से आप दोस्तों अगर आप कभी बोर हो रहे हो और आपका मन कर रहा हो कि आप रेडियो सुनना चाहते हो, तो यहाँ से आप सीधे जो है ऑनलाइन रेडियो सुन सकते हो। आपको ये वेबसाइट पर ले जाएगा और देखिए सारे रेडियो स्टेशन आ जाएंगे। ठीक है, वेलकम टू ऑनलाइन रेडियो, क्रोम खुल गया। अब यहाँ पर रेडियो मैग्नीफाइंग ग्लास आइकॉन रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम लिंक रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम। तो गाइज यहाँ पर ऊपर ही रेडियो स्टेशन आने लग गए, रेडियो मिर्ची 93.98.3 एफएम। सारे जो आपके मेन मेन स्टेशन आप सुनते हो आगे किसी भी क्लिक करो चलने लग जाएगा। ठीक है, तो हमने बहुत सुने दोस्तों बचपन में, बचपन की भी याद है दोस्तों, बड़ी खट्टी मिट्टी सी है, कभी टेस्ट कराऊंगा आपको, मतलब सुनाऊंगा दोस्तों। तो बैक करेंगे यहाँ से। तो ये दूसरा एक्सटेंशन है जो बहुत बढ़िया है, आप इसका यूज कर सकते हो। मोर में चलेंगे फिर से, अगला देखते हैं। ये बहुत बढ़िया दोस्तों, आपके आसपास क्या टेम्परेचर चल रहा है, क्या तापमान में हो दोस्तों, क्या आप तपती गर्मी में हो, यहाँ से आप टेम्परेचर चेक कर सकते हो। देखिए क्लिक करेंगे हम, चेक हो रहा है अभी current temperature is 29 degrees अभी हमारा टेम्परेचर है दोस्तों, तो इसने बता दिया। तो ये भी एक बहुत अच्छा है, जिससे आप ये बैटरी का टेम्परेचर स्पेशली देखेगा है ना, अगर बैटरी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आप इससे जो है अपना बचाव भी कर सकते हो।
और बाकी बैटरी का टेम्परेचर फिर रूम के हिसाब से होगा, तो रूम का टेम्परेचर भी आपको ऑल ओवर आसपास इसके पता चल जाएगा। तो बहुत अच्छा एक्सटेंशन है, जरूर इसका यूज़ करना। फिर से देखते हैं और। main more button main more button main menu extensions extend check list click dim screen। तो दोस्तों ये तो है, हम जानते ही हैं, इसके बारे में मैंने पहले ही बात की है, डिम स्क्रीन है ना, आप इसको ऑटो ऑन कर दो तो डिम स्क्रीन हो जाएगी आपको ऑटोमेटिक। वैसे अब तो ये फीचर भी आ गए, automatic skip ad for YouTube। इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ कभी ना कभी, मेरे को ऐसा याद आ रहा है, लेकिन ये बहुत बढ़िया एक्सटेंशन है ऑटो स्किप ऐड है ना। आपको स्किप ऐड पे जो क्लिक नहीं करना पड़ेगा, सीधे अपने आप स्किप हो जाएगी ऐड, बस इसको आके जो है इधर ऑन कर दो। तो ये बहुत ज़्यादा ही बढ़िया एक्सटेंशन है दोस्तों, इसका यूज़ करना। Add or remove app from home screen। ये तो अपन ने अभी अभी डाउनलोड किया है, कुछ काम का नहीं है, इसको मैं लिस्ट में रखने वाला था। Backup Jisho settings to device। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सटेंशन है, बैकअप जीशो सेटिंग टू डिवाइस। सीधे आप इस पर क्लिक करो, आपकी जो पूरी जीशो सेटिंग है ना, वो आपकी पूरी बैकअप हो जाएगी, ठीक है, आपके डिवाइस में जो जीशो का फोल्डर बनता है ना उसके अंदर। तो आप कभी भी इसको रिस्टोर भी कर सकते हो, रिस्टोर के लिए। वैसे इसके लिए एक और एक्सटेंशन है जो मैंने आगे डाउनलोड किया, बताऊंगा आपको। और वैसे इसके लिए आप डायरेक्ट सेटिंग का भी यूज़ कर सकते हो एडवांस में जाके, लेकिन अगर ये वो आपको नहीं करना, सीधे एक्सटेंशन अप्लाई करो, जीशो सेटिंग में जाके अपने आप आपकी जो ये बैकअप है वो सेटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर टू डिवाइस लिखा है, अगर आप क्लाउड में करना चाहते हो गाइस, तो आप क्लाउड वाले भी एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा इसी के साथ। तो क्लाउड में क्या है, ऑनलाइन सेव रहेगा आपका, मोबाइल में सेव नहीं रहेगा, तो वो वाला एक्सटेंशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जीशो का क्लाउड है वो। क्लियर चैट हिस्ट्री एंड कॉल लॉग्स। तो ये क्लियर चैट हिस्ट्री कर सकते हो व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप में रहो किसी की चैट में, सीधे अप्लाई कर दो, क्लियर हो जाएगी। और कॉल लॉग अगर अप्लाई करनी है तो कॉल लॉग में रहो और अप्लाई कर दो, डिलीट हो जाएगी कॉल लॉग्स, रिस्टोर जीशो सेटिंग्स फ्रॉम डिवाइस। ठीक है, ये बैकअप का था वो, ये रिस्टोर का है। तो दोस्तों यहाँ से आप सीधे रिस्टोर कर सकते हो जीशो की सेटिंग को, जो भी आपने बैकअप ली थी। सेलेक्ट लो वीडियो क्वालिटी फॉर यूट्यूब। ये बहुत ज्यादा अच्छा एक्सटेंशन है, आप यूट्यूब में हो है ना, आपका नेट फूक रहा है दोस्तों बहुत ज्यादा, आपको पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है नेट मेरा, तो यहाँ से आप सीधा जो अपनी क्वालिटी है उसको लो कर सकते हो। अप्लाई करो सीधे मोर ऑप्शन में जाके, वो खुद कर देगा जो करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना। सेलेक्ट मीडियम क्वालिटी फॉर जियो सिनेमा। ये एक बहुत ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है, और ये जियो सिनेमा में लोग इसका लो क्वालिटी वाला भी होना चाहिए था। जियो सिनेमा आपको पता है बहुत नेट पीता है, एक्सेसिबल है नहीं है ना, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका जो जियो सिनेमा का क्वालिटी है वो मीडियम हो जाएगा। सीधे आप कुछ भी मैच देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, एक्सटेंशन अप्लाई करो, आपको कुछ नहीं करना। तो यार ये लो के लिए भी होना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि जियो सिनेमा आपको पता है एक्सेसिबल है नहीं अभी। स्टार्ट और स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये भी एक बहुत अच्छा एक्सटेंशन है, आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं है, सीधे आप इस को जो है एक जेस्टर पर रखो, सीधे वो जेस्टर घुमाओ, आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट दोस्तों, बोलना शुरू, और सीधे वो फिर से वो जेस्टर घुमाओ, बंद, बोलना बंद। तो ये बहुत बढ़िया है कि आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो डायरेक्ट। टॉक विद योर गूगल असिस्टेंट। टॉक विद योर गूगल असिस्टेंट, ये आप जानते ही हो, सीधे क्लिक करो गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा। टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स। टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। कस्टम वॉइस कमांड्स बटन, ठीक है। कैंसिल बटन। ये इतने सारे हम लोगों ने जो है होम स्क्रीन एक्सटेंशंस देखे हैं आज, Uber, जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। और जरूर आप लोग जो है इनका यूज करना भाई, अगर आप जीशो का यूज करते हो। कुछ नए एक्सटेंशन आए थे मैंने आपको बताए, वैसे तो देखा जाए दिन भर बहुत सारे आते ही रहते हैं, तो अब सारे के बारे में तो बात कर नहीं सकते हम, बहुत ज़्यादा ही लंबी लिस्ट है, लेकिन ये जो नए आए थे इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आपको वीडियो लगी होगी यूज़फुल, कमाल की। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी तो भैया लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।